नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की चुनावी टीम पहुंच गई है राजस्थान। बता दें, राजस्थान के कई विधानसभाओं का हमने दौरा किया, अलग अलग विधानसभाओं में लोगों का अलग अलग मिजाज है। खैर, आज इस चौराहे पे खड़े हैं, इस चौराहे को उदयपुर नगर पालिका चौराहा कहा जाता है। यहाँ कई सारी दुकानें हैं, यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर में उनका क्या मिजाज है, वो किसकी सरकार लाना चाहते हैं। इस बार आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार ला रहे हैं आप? सर, ऐसा है, अभी हमारे यहाँ उदयपुर में बीजेपी का जोर चल रहा है और यहाँ दो तीन उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, बीजेपी का अच्छा काम हो रहा है। लेकिन 51 जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है, इसमें उदयपुर का नहीं हुआ, तो क्या उदयपुर में कहीं पेच फंस रहा है या कोई और वजह है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उदयपुर में हमेशा बीजेपी जीती आई है और अच्छा यहाँ प्रभाव है। नहीं, यहाँ के जो पुराने विधायक थे, जो मतलब बीजेपी के, उनको तो राज्यपाल बना दिया गया, तो इसलिए कहीं पेच फंस रही क्या उदयपुर में? नहीं, पेज वाली बात नहीं, राज्यपाल साहब के तो बात सब जन मानने वाले ही हैं यहाँ उदयपुर में, और यहाँ पारस सिंह भी और रविंद्र सिमाली, दो जनों का नाम चल रहा है, दोनों में से किसी को मिलेंगे, दोनों में चीज पक्की हो जाएगी उदयपुर की। तो आप किसी प्रत्याशी को किसको चाहते हैं, मतलब यहाँ से सीट में, मतलब टिकट मिले? भाई, आज मोदी की जो चाहत है युवा को मिले, तो पारस सिंह भी युवा है, सब काम में प्रभावशाली है और उपमहापौर भी है। अभी अशोक गहलोत भी इतनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, अशोक गहलोत योजना ला रहे हैं, कह रहे राजस्थान का हमने अलग से विकास कर दिया है, पहले से राजस्थान को बदल दिया है, इस पर आपका क्या विचार है? व्यापारी के लिए कोई योजना नहीं है और क्या है, कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं, बस इसलिए अशोक गहलोत जिससे लोग खपा हो गए, बाकी तो ठीक है, कानून व्यवस्था नहीं है। और व्यापारियों के लिए अशोक गहलोत ने क्या किया, व्यापारी को तो दुनिया भर का टैक्स देना पड़ रहा है। तो चलिए, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग अशोक गहलोत से परेशान है, बट और भी दो तीन दुकानदार मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि इनका क्या मिजाज है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग सिंह है। क्या नाम है? बजरंग। सर, किसकी सरकार आ रहे हैं राजस्थान में इस बार आप? हम बीजेपी। बीजेपी क्यों, गहलोत सरकार से क्या नाराजगी आपकी? हमने बचपन से गहलोत साहब को चाहे ही नहीं, तो चाहे ही नहीं है, उनको वोट दिया ही नहीं, तो हम बीजेपी को देते आए हैं। आज तक आप बीजेपी को वोट दे? चले, सही भैया कहना है कि आज तक हमने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया है, लेकिन बात अगर उदयपुर करे तो बीजेपी बाहुल्य है, लेकिन इस बार तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो क्या है, सरकार से खुश नहीं है, योजना से, बस ऐसी पार्टी की समीक्षा है? बता, नहीं, हम पार्टी से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में रहेंगे। पार्टी बदलने कोई इरादा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी बदल देते हैं। नेता बदल देते हैं, आम आदमी नहीं बदलेंगे। आम आदमी नहीं बदलेगा भैया, कहना है कि नेता भले पार्टी बदलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं बदलेगी। यहाँ मौजूद और भी लोग हैं, उनसे तो कुछ बात कर लेंगे। यहाँ भैया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत भैया, क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत है। किसकी सरकार ला रहे हैं आप? अपने बीजेपी है। बीजेपी क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नाराजगी तो कांग्रेस से यही है ना, देखो ना, अपने कांग्रेस का ये भी है ही नहीं, मतलब भी नहीं है ना कांग्रेस का, कोई नहीं आता है। अरे, इतनी सारी योजनाएं लाते हैं वो, अब तो हिंदूवादी भी बात करते हैं कांग्रेस से लोग, तो विदेशों में जाके देखो ना क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अपने देश में तो कर रहे हैं खाली, बाहर देखो कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं न्यूज में, सब आपको पता ही है ना सबको कैसी कैसी। लेकिन गहलोत जो सरकार है, मतलब इनका तो अपनी योजनाओं से जनता काफी सुख खुश है ग्रामीणों इलाकों में। क्या इससे सरकार से वोट नहीं देता हमारे को, क्या केंद्र से, मतलब राज्य के हिसाब से हमारा योजना, मान लो भारत है, भारत आप बहुत आगे बढ़ चुका है, इस हिसाब से वोट करते हैं। चलिए भैया, भी यहाँ बीजेपी की, खैर ये बता दें, इस चौराहे से लेके पूरा उदयपुर की अगर बात करें तो पूरे उदयपुर में बीजेपी के ही प्रत्याशी, बीजेपी के ही लोग हैं। जी मैम, यहीं से आप? यहीं से आप? हाँ, यहीं से। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? मैम बोलना नहीं चाहती, खैर कोई बात नहीं, यहाँ और भी कुछ सदस्य मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? यहीं से आप? हाँ, उदयपुर से। किसकी सरकार ला रहा है इस बार राजस्थान में? राजस्थान गवर्नमेंट में हमने कांग्रेस की आई है अभी से। कांग्रेस की, बट इस चौराहे पे तो मौजूद सभी लोग का बीजेपी पक्षधर है। चांसेस राजस्थान में गवर्नमेंट के, कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कांग्रेस की है, लेकिन सचिन पायलट अशोक गहलोत में क्या फिर लफड़ा, क्योंकि पिछली बार सचिन पायलट का चेहरा दिखा के कांग्रेस जीती, बाद में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए? मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा हैं, उनका काम एटलीस्ट राजस्थान में बहुत अच्छा है आज की डेट में। ग्राउंड पे है काम कांग्रेस का? 100% है। चलिए ठीक है, हम मौजूद और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, क्या मिजाज है। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? लोकेश जैन। किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार बीजेपी यहाँ पे राजस्थान में? बीजेपी की। क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। क्यों? काम के बदलाव हर बार रहता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। लेकिन हर बार आप बदलते रहेंगे तो योजनाएं भी बदलती रहेंगी, फिर तो ऐसे कभी विकास लगातार होता ही नहीं रहेगा। विकास होगा तभी तो विकास होगा, सरकार बदलेगी तो विकास होगा, हर बार चेंज होगा तो आदमी काम करेगा ना। 5 साल बाद फिर आप कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर लोकसभा चुनाव आ गए तो किसको वोट देंगे फिर उसमें? लोकसभा में स्वाभाविक है बीजेपी। और पिछली बार किसको दिए थे? बीजेपी को। उसमें क्यों नहीं चेंज करेंगे आप? वहाँ पे काम हो रहा है रेगुलर, तो मतलब राज्य में काम तब होगा जब सरकार बदलेगी।
जी बिल्कुल। तो ये नियम तो केंद्र के लिए भी होना चाहिए। नहीं, केंद्र में काम हो रहा है इसलिए ना, काम नहीं होगा तो वहाँ भी सरकार। सीधा आपका कहने का क्या मतलब है कि राज्य में काम नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल। चलिए भैया, कहीं ना कहीं गहलोत सरकार से नाराज है, नाराजगी इनकी साफ साफ झलक रही है। हाँ चाची मौजूद है, कहो चाची, किसकी सरकार ला रही राजस्थान इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों, गहलोत इतनी योजनाएं ला रहे हैं महिलाओं के लिए? नहीं, हमें मोदी सरकार ही चाहिए। अरे मोबाइल वोबाइल नहीं मिला आपको? नहीं, हमें नहीं मिला। अप्लाई की थी मोबाइल के लिए? दिया ही नहीं हमें तो। क्यों? ये वो आएगा, ओटीपी नंबर आया ही नहीं। अरे बात, इसलिए नाराज है या कोई और वजह है? नहीं नहीं, हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए। अच्छा, गहलोत सरकार से महिलाओं की कहीं ना कहीं नाराजगी है। एक और महिला है। जी चाची, किसकी सरकार आप जा रही हैं यहाँ पे? मोदी सरकार। गहलोत मोबाइल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं सारे? नहीं 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 चाहिए मोबाइल, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मेरे को चलाता नहीं आता मोबाइल, चलाता नहीं आता। अरे तो बच्चियाँ तो होंगी घर में, उनको तो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी को आते हैं, हम डर लगते हैं। तो आखिर बीजेपी क्यों, बीजेपी क्या है, मोदी जी में क्या ऐसा अच्छा लगा आपको? मेरे को ये अच्छा लगा, हर सुविधा उन्होंने दी है, पहले उन्होंने दी है और वही हमें अच्छा लगा है। महिला के लिए हर सुविधा दी, लेकिन महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई भी दी, मगर हमें क्या है कि हमें फूल। आपके राज्य में तो 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। हाँ, मेरे को यही पसंद है। हमारे राज्य में भले 5 साल से कांग्रेस सरकार है, लेकिन हमें मोदी सरकार ही चाहिए। तो केंद्र में तो मोदी सरकार है ही, आप राज्य की बात करिए ना, राज्य में। राज्य में अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं बीजेपी में? बीजेपी मुख्यमंत्री भले अशोक जी आए कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें राशन पानी मिलना चाहिए, दवाई गोली मिलना चाहिए। दवाई गोली तो अशोक गहलोत दे रहे हैं। हाँ, तो हमारे सुविधा भले अशोक जी आए, लेकिन सरकार हमें बीजेपी चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। देखिए, जनता कहना है कि भले अशोक गहलोत बीजेपी में आ जाए तो उनको वोट दे देंगी, लेकिन पार्टी इनको बीजेपी ही पसंद है, ये पार्टी के नाम पे वोट देंगे। बाकी यहाँ भी और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी भैया, यहीं से आप? हाँ, उदयपुर। क्या नाम है आपका? शैलेश जैन। किसकी सरकार है राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी की। अभी क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी आपको? कांग्रेस से नाराजगी नहीं, बस बीजेपी प्राउड गांव है, मोदी जी के नेतृत्व में आना है वापस। आप मोदी नेतृत्व मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के चेहरा तो वो नाम क्या, बालकनाथ जी को। बालकनाथ को, चलिए तो नया ट्विस्ट हो गया कि वो वसुंधरा राजे क्यों नहीं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे, उनकी वजह से राजस्थान की सरकार गई पिछली बार भी। वसुंधरा राजे बस गई? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। वो क्या कर दिया उन्होंने ऐसा, कुछ बताएंगे आप? क्या सब दारू की दुकानें खोली, क्या क्या है पब्लिक के लिए? दारू की दुकानें कितनी खुलवा दी उन्होंने वसुंधरा राजे ने? खुलवाया उस समय, खुली थी वसुंधरा राजे। पब्लिक को कहीं ना कहीं दारू पसंद भी तो है, पब्लिक खरीदती भी तो है ना, आम पब्लिक को तकलीफ पड़ती है ना। लेकिन भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो दारू ही संभालता है इकोनॉमी एक तरफ से देखा जाए तो। वो बात सही है, पर इकोनॉमी के लिए दूसरी चीजें भी तो है ना, खाली दारू तो सही नहीं जिंदा रहेंगे। अगर पालक ना आएंगे तो क्या दारू बंद हो जाएगा? कम नहीं होगा, कम तो होगा। और बंद वाली जो दुकानें खुली है, गुंडागिरी वगैरह सब कम होगी वसुंधरा राजे में? वसुंधरा राजे में तो वही है, इक्वल गहलोत जी वसुंधरा में कोई बड़ा फर्क नहीं है अगर गुंडागिरी का देखे तो आप। चलिए आप, एक भैया और मुझे होगी होगी, दारू पियेंगे तो गुंडागिरी नहीं तो बढ़ेगी नशा। भैया बताएं, बिहार में दारू बंद है, लेकिन अगर गुंडागर्दी की बात करें तो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी बिहार में ही होती है। सरकार किसकी है, सरकार किसकी है वहाँ पे? ठीक, अभी तो सरकार अभी पलटी है ना, सरकार तो बीजेपी की थी वहाँ पे कुछ समय तक, नीतीश के साथ फुल प्लेस नहीं थी ना, वो तो सहयोगी पार्टी से चल रही थी ना। सहयोगी, अच्छा सहयोगी पार्टी के साथ काम अच्छा हो रहा है तो बीजेपी कर रही है, असहयोगी पार्टी के साथ काम खराब हो रहा है तो बीजेपी नहीं कर रही है? नहीं नहीं नहीं, सहयोगी पार्टी होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा आपको। अरे तो अकॉर्डिंग कुछ तो होगा उनका, अपना कुछ तो माजरा होगा, अपना कुछ तो बातें रखते होंगे वो लोग। बात सही है, पर वो अकॉर्डिंग चलता है, पर वो उसके दबाव में रहता है, जिसका सहयोग है अगर परसेंटेज उनका ज्यादा है तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। पैसे कोई फैक्ट्री चला रहे, 51% जिसका शेयर है उसकी बात अपने को माननी पड़ती। लेकिन भैया 49% की कुछ बातें तो रखी जाएंगी ना जनता, थोड़ी बहुत रखती है ना, जहाँ कहीं फंस जाते वहाँ बाकी तो चल ही जाता। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि और यहाँ भी कुछ और मुझे चाहिए। नाम क्या आपका? मांगेलाल पुरोहित। यहीं के आप? हाँ। किसकी सरकार ला रहे राजस्थान में इस बार? बीजेपी की ला रहे हैं। क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई? कांग्रेस से नाराजगी, वो एक पक्ष काम करते हैं। बीजेपी में आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? जो भी डिसाइड होगी पार्टी की। नहीं, आप अपना पसंद बताइए, आप अपनी पसंद बताए ना, जनता का पसंद तो होता ना, जनता की पसंद सब बनता है। गोरखनाथ। वसुंधरा राजे है, दिया है, इन लोग से क्या नाराजगी है? नहीं, हमें जो आपने पूछा पसंद, तो हमने गोरखनाथ बताया ना। तो गोरखनाथ में क्या आपको ऐसा पसंद आया? आप क्या जैसे गोरखपुर में कोई एक योगी है, वैसे ये राजस्थान में भी आ रहा है? ये इसलिए आएगा कि ये सन्यासी है, इसको मोह माया से ज्यादा नहीं है, वो सब अपने अपने पक्ष में अपने समय व्यक्तिगत स्वार्थों के हिसाब से भी काम करते हैं, और ये समाज हित के हिसाब से काम करेगा, इसको परवाह नहीं है कि पैसा क्या करना है। चलिए अगर बात करें यहाँ पूरे राजस्थान की, तो जहाँ तक हमने दौरा किया है 16 विधानसभाओं में
वसुंधरा राजे के बाद अगर दूसरा नाम कोई आता है मुख्यमंत्री के नाम पे तो बालकनाथ योगी हैं। बता दें बालकनाथ योगी को इस बार तिजारा विधानसभा से विधायक के लिए टिकट दिया गया है। अब इस बार देखना है क्या होता है उनका। इसके पहले भी वो अलवर से सांसद रहे हैं। खैर ऐसे ही देश दुनिया से तमाम खबर देखने के लिए और राजस्थान के सभी विधानसभाओं की जानकारी देखने के लिए आप जुड़े इन खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।